राम राम किसान साथियों, के हालचाल पटदार खेती बाड़ी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आ गए एक और वीडियो के साथ। तो आज देखिए, इस किसान ने ऑफ सीजन में सोयाबीन की फसल करी है, तो हम इनसे चर्चा करते हैं कि इन्होंने ये ऑफ सीजन में फसल क्यों लगाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, ये है सचिन पाटीदार, इन्होंने जो ऑफ सीजन में सोयाबीन की फसल करी है, तो हम इनसे चर्चा करते हैं कि इन्होंने ऑफ सीजन में सोयाबीन करने का फैसला क्यों लिया। तो सचिन जी, आप बताइए, आपने ये ऑफ सीजन सोयाबीन का जो निर्णय लिया है लगाने का, ये क्यों लिया है? सर, आजकल ऐसा चल रहा है कि किसानों को लगभग एक या दो सीजन में लगभग ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है, और हमने ये सोयाबीन इसलिए लगाया है कि देखते हैं कि ऑफ सीजन पर कितनी पैदावार हो सकती है। पानी तो उतना ही ले रही है जितना सोयाबीन की फसल लेती है। हम चर्चा कर रहे थे कि ऑफ सीजन पर क्यों लगाई है। ये वेराइटी है ब्लैक बोल्ट, और इसका अभी लगभग 45 दिनों की हो गई है, और हर सात से आठ दिन पर हम इसको इरीगेशन दे रहे हैं, और देखते हैं इस बार इसकी पैदावार कितनी होती है ऑफ सीजन पर। तो आप इसमें सिंचाई मिनी स्प्रिंकल से ही करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, ताकि पानी की बचत हो सके। जी जी जी, मतलब इसमें पानी का बचत भी होगा। किसान साथियों, देखिए इन्होंने जो लगाए हैं मिनी स्प्रिंकल लगाए हैं सिंचाई के लिए। तो चलिए और आगे इनसे बात करते हैं। तो ये कितने दिन में फसल आ जाएगी, इसका क्या अनुमान है अभी के? अभी इसलिए ही हमने इसको लगाया है कि ये कितना पीरियड लेती है, कितना टाइम ड्यूरेशन कितना रहता है ऑफ सीजन पर। जी जी जी। और इसमें इंसेक्टिसाइड का प्रकोप रहता है या नहीं रहता है, अटैक होता है या नहीं होता है, और इसमें खर्चा कितना आता है ऑफ सीजन पर, इसीलिए इसको थोड़ा लगाया है डेमो के तौर पर। डेमो के लिए आपने, देखने के लिए लगाया, ताकि ऑफ सीजन में कितना क्या उत्पादन दे, कितना उत्पादन देती है, और इंसेक्ट का प्रकोप रहता है या ना रहता है। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं इन्होंने ये फसल का डेमो लेने के लिए किया है, ताकि इनको पता चल जाएगा कि किसान ऑफ सीजन में भी सोयाबीन की फसल कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, इसमें आपने स्प्रे में क्या क्या लिया, टानिक वानिक में क्या क्या दिया है अभी तक इसमें? सर, इसमें अभी तक तो पहले स्प्रे पर बायो 20, जो ओमेक्स का बायो 20 आता है जी, उसका पहला स्प्रे किया है, और वो 150 ml प्रति बीघे के हिसाब से लिया है। तो उसका रिजल्ट क्या रहता है फसल पे? क्या है कि जो पौधा फोटोसिंथेसिस जरूरी है क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने के लिए। जी जी। इसलिए हमने अभी ओमेक्स का बायो 20 डाला है। जैसे अभी जैसे सनलाइट धूप क्या ज्यादा रहती है इस सीजन पर, तो उसके कारण अभी सोयाबीन लूज है, इसलिए हमने बायो 20 का स्प्रे किया था। अभी आप देख सकते हैं उधर, और हमने उस पर बायो 20 का स्प्रे किया है, अभी लगभग अच्छा रिजल्ट देखा है। साइड ग्रोथ भी देख सकते हैं किसान साथियों, जैसे कि यहाँ पर थोड़ी ग्रोथ अच्छी है और यहाँ पर नहीं है अभी। इसमें थोड़ा ओमेक्स का जो बायो 20 है, इस पे नहीं किया है और उधर किया हुआ है। आप देख सकते हैं रिजल्ट, यहाँ पर हमने ओमेक्स का बायो 20 150 ml प्रति बीघे के हिसाब से लिया है, और उधर रिजल्ट देख सकते हैं आप, वहाँ पर विदाउट है और इधर स्प्रे किया हुआ है ओमेक्स का बायो 20, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ प्लस आप बोल सकते हैं सीविट और उसके साथ साइटोकाइनिन मिक्स हो रहता है बायो 20 ओमेक्स का। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। सर, हम अगली वीडियो पर बताएंगे कि इसका कितना प्रोडक्शन होता है, और कितने समय में आ चुकी है ये, और इस पर कितना खर्चा हुआ है। तो किसान साथियों, देख पा रहे हो आप, इसमें जड़ का फुटाव भी बहुत अच्छा आया है, और पौधा ये स्वस्थ भी है अभी, इसमें कोई बीमारियां नहीं है। इसमें अभी स्टेज इसकी अच्छी है, ग्रोथिंग पे है, अभी फ्लावरिंग स्टेज नहीं आई है इसकी। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट्स करके आप हमें से पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना चाहे तो, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा।